तो ध्यान रहे भाई बहनों, देखते हैं वॉल्यूम नंबर दो में। ढोलक पर संगति कर रहे हैं सतेंद्र भैया भजोरपुर वाले, चिमटा पर संगति कर रहे हैं धर्मेंद्र भैया एरवा कटरा वाले, घड़ा पर संगति कर रहे हैं जयवीर भैया जी, कांसी बजा रहे हैं हमारे पिताजी। तो जिस समय मैया देवे के डेरा से निकलकर पांचों योगी माड़ो की तरफ चले हैं, लेकिन माड़ो से पहले नदी नर्मदा को पार करना था, आगे हुआ क्या है सत्यन भैया जी? आज सेना बढ़ी गई बैरागिनी की, पहुंची नंदिया के रे मैदान, दे दे भोर घूमी रो पानी, उलटी बहे पछैया धारी, भारी नदिया में पानी है, उदल सोच सोच रह जाई, ढूंढत फिरत घाट को योगी, नहीं कहूं घाट पड़ो दिखलाई, और हल्की भरी भरी उदल रोबे, अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकारी, आसन डारी बैठ गई योगी, बाई नंदिया के रे मैदानी, जिस समय महोवे के सभी जवान उस नंदी पर पहुंचे हैं, तो आल्हा उदल से बोले हैं, भैया एक बात सुनो, अरे महतिया तहन पानी नदी में, तब आल्हा ने कही सुनाई, हम जाए बाड़े हैं रे महुवे के मटिया पर दादाजी, जरा थोड़ी सी हिम्मत बांधो, अरे राती बसेरो करो नंदिया पे, दादा पैया पड़े तुम्हारे, और बात मान के आज उतल की रेती में डेरा दए लगाए, और माड़ों में लिए चुकाए, ध्यान रहे प्यारे भाई बहनों,
इधर मौवे के जवान ये सोच रहे हैं कि घाट का कोई पता नहीं है, हम कैसे नदी को पार करें। लेकिन तब तक माड़ों के सम्राट जम्बे का एक देवी उसी नदी पर कपड़ा धोने के लिए आया, लेकिन हुआ क्या? मामला जाए ढबरे गो सेरा अंतव हो तो तैयार। एक गड़बड़ों को एक अजूद होवी और बानंधिया पे रो बहरा। देशी योगी आए कैसे माढ़ कुले बिनिहार। घाट बताए देव जो नंधिया को तो माढ़ में मांगे भीख अंगार। और तबई तो भी बोलन लालो बाबा या कल गई बोराई कर कर कर। और घाट बता दी जो नंधिया को तो जम हिलिया जब मूड कटाए। औरी तबई ढेबा बोलन लागो कातरिया कल गई बोराई कई। और काए को घाट की नाई कर दई वीरन साची दियो बताए। धोवी भैया सच बताओ कि तुम्हारे राजा को डर किस बात का है जो इस नंधिया का पता नहीं बताता? तो धोवी बाबा से बोला है और बहरी राजा गड़ी महुबे को नामी भू पर राजा परमाल और उनके सिपाही दस राज को लव करिया ने शीश कटाई। बाप के बदले ले बेकारी गड़ पे तो पल गई है आए। और इतना के डर के मारे राजा ने घट की नाई दई करवाई कई। और चुप का लौट हीन से जाओ बाबा अंत मांगियो जाए। प्यारे भाई बहनों, जिस समय उदल ने ये वार्तालाप सुना है, ढेबा को जवाब दिया है, ढेबा भैया अगर घाट का पता नहीं लगा तो हम बाप के बदले नहीं ले सकता, कुछ तो सोचो। ढेबा मुस्कुरा करके कहने लगा, धोबी भैया ठीक है, अगर तुम घाट का पता नहीं बताते तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह सुबह सर्वप्रथम हमारे दर्शन करते हैं वो लोग, अगर हमारी इस धुनी से आकर के और इस धुनी में हाथ डाल करके इतनी दौलत प्राप्त कर लेते हैं कि जीवन में जिंदगी में उन लोगों को किसी के द्वारे पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए तुम आओ और इस नंधिया से हमें उस पार करो, लेकिन इस धुनी में जो दौलत है वो तुम ले जाओ। ध्यान रहे भैया,
इस माया ने संसार को कितना नचाया है, कहां पहुंचा दिया है कि मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। इससे कोई बचा नहीं है सत्येंद्र भैया। ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, विष्णु लूटे। ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, सब दुनिया नचाई दो जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। और सुनो भैया, पश्चिम को उसरो नदिया से उतर गओ है पापारी। ध्यान दे भक्तों, दौलत के लालच में आए के धोबी जिस जगह कपड़ा धो रहा था, बाद से 60 कदम पश्चिम को चला, लेकिन ढेवा ने कहा है जिस समय धोबी नदी को पार कर रहा था उसी समय लाखों की दौलत उस धुने में दबा के रख दी। लेकिन अरे हाथी नारी तो जब धुनी में लाखों की दौलत जय मिल गई अंगार। अरे जोर कहे धोबी ने पर बाबा से जा कही है सुनाई। अरे संग हमारे के बाबा चलियो के ठाणे खिदमत जा कर है तुम्हारी। अरे संगली महुबिया संग में चल दे उदली ढेबा संगलिवाए। और आगे धोबी के पीछे योगी आज जे नदिया पे रहे लहराए। उदल ने ढेबा से कही है भैया नदी पार करने के बाद कोई ऐसा चिन्ह लगा देना, क्योंकि ये धोबी उधर से लौट करके वापस नहीं आएगा। अगर हमने चिन्ह नहीं लगाया तो वापस हम भी पार नहीं निकल पाएंगे, जई में डुब डुब होत रहे। ढेबा ने उसी समय एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को वहीं पर रखने लगा, तो उदल कहने लगे हैं कि जरा ढंग से रखियो ना, बाद में लौट के जई में डूब जाओ सब। लेकिन भैया गोविंद को चरण मनाई। अरे माढ़ो कड़के आज फाटक पे पहुंचो बंसुरे बना फरकियारी।
शहर पना में चलती पवन रे बंद हो जाए। अरे हर सती हुई की के दरुबानी नी किला को फाटिक के दो खुलवाई। अरे सकल महुबिया माढ़ में पहुंचे और जा किला को रहे निहारी। अरे जागत देखी के मंडली कोने तो दादा लगो है कले जा जाए। अरे कही सारा में उतल से लहरे ते सरे राज के लाल हम जाए बाड़े फेरे महुए के माटी परी है विदेशन आई। और पानी तिपैया नहीं महुबे में उदल सुनियो के अर्जी हमारी। चुपकान लौट चलो महुवे को इतनी माना जा कही हमारी। आंखों में खून के कतरे लेकर के उदल बोले दादा हाय हाय। अरे आखिर रोज बड़ो उदल को बोल है पड़ की रही है लड़वे को कुछ पे फूल रही है तलवार। अरे नाई बखोरन में बल कम है नाई मैंने बेच रे खाई तलवार। अरे मन से बस गई बाई दिना से जब से कही है ममा परिहारी। और सुनो दादाजी अरे लागी मुहूर्त विजय करन की दुश्मन डटो है सामने आई। बदले के हम नहीं लौटे चाहे तन धजी रे धजी उड़ जाए। अरे ऊंचे गुरिजनी पे जो तो पे पल में नीचे हम दिए गिराए। बदले के हम नहीं लौटे दादा पैया में परूं तुम्हारी। मेरे चार गोलू में बगुला पेरे चंबे पुठाड़ो में दी है पिरुबाई। हम ईट ईट माढ़ो की खोद के पक्को ताल रे दिए बनवाई। अरे तादिन लौटेंगे कड़ी माढ़ो से मैया की छाती को दी है सिराई। अरे भुजा पकड़ के आज आल्हा की
भैया दिल में तो लगी रही बबुला किया समेरे मेरे दिल में तो लगी रही बबुला किया समेरे दिल में तो लगी रही बबुला किया रोई रोई की उतल के हाँ भक्तों, जिस समय बनापर वंश के लोग योगी के भेष में फाटक से निकल गए और माड़ों के सम्राट जम्बे को ये जब पता लगा है कि आज शहर में बड़े चमत्कार योगी आए हुए हैं, तो माड़ों के सरदार इन योगियों को अपने दरवाजे पर बुलाया और महोवे के जवान जम्बे के बंगला में पहुंचे हैं तो जम्बे क्या बोला है बाबा से, बाबा अरे कोनी देश से बाबा आए आगे
मोहवे का नाम सुना है, हाय हाय पाएंगे। अगर तुम्हें महुए वाले जवानों से बचना है तो तुम हमारी एक बात मान लो। कौन सी? तो क्या उतल बोले हैं सुनो राजन। Thank you.
श्रद्धार भक्तों, माणो की महारानी कुशला ने यह संदेशा सुना है तो भक्तों क्या हुआ? आज खबर पाई हरे कुशला ने तब वादिय से कही सुनाई। और इनकी चली जा तू बंगला लो निक योगिन को लइए बुलाई। और बांदी चल भई तीर आंगन से मस्कत चली मरो राजाली। और इस चटकी चुनरिया लटकत जावे हो हो हो। अरे चटकी चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबत पाए सो जाए। और धीरे धीरे बांधी आई और राजा से कही सुनाए। अरे महारानी कुशला बावन को और आंगन में रही बुला। और बांदी के संग अज बैरागी पहुंचे किला कोट के द्वारे। और आगे बढ़ के उदल देखी बाई बरगद के ढिंग जाए। और टंगी खुपड़िया है बाबुल की भैया सुनियो अर्जी हमार। दशा देख के आज बाबुल की उधर रोई रोई रह जाए। भक्तों, जिस समय ये लोग उस बरगद के नीचे पहुंचे जिस पर दशराज और वक्षराज की खुपड़ी टंगी हुई थी, लेकिन और इन नजरे पर गई है उदल की तब सैयद से ही सुनाई। और चचा बनारस वाले ताला निक मोय सांची दियो बताई। कैसी खुपड़िया गड़ माढ़ो में और जे कैसी दही टंगाई। और इत बैरागी नीचे ठाड़े उतमें सुनियो हाल अंगारे। और दशराज और वक्षराज की खुबड़ी तनीरी रहो टपकाए। तू ही लाला हमारे। और काउ दिन चढ़ ही माड़ में आए और मेरो बदलोली है चुकाए। और कौन विपत बेटन पे पर गई बारे पे डारे मुड़ा मुड़ाए। और देख के ऐसी हालत भैया खुपड़ी रोए रोए गिर रह जाए। जिस समय उन खोपड़ियों से नीर की धार बही, अरुण भैया जी उदल अपने चाचा सैयद से पूछने लगे हैं कि आखिरकार बात क्या है, तो ताला जवाब देने लगे हैं, बेटा और चाहे खोपड़ी तेरे बाबुल की जब मैंने कोलू में दाए पिरुवाई कहे। हाल सुनो है गड़ महुबे को दहरी से मुड़ी दो तुम्हारे। और बाबुल मेरे की दुर्गतियाँ और चंबे ने दही कराई। ओ हिलकी भर भरी उदल रोवे वाई माड़ो केर मैदान। ओ तो विश्वास यादी उदल ने बाबुल पैया पड़े तुम्हारे। ओ पांच दिना के अजी अंदर में त्यारे बदले ली है चुका।
खुपड़ी खुपड़ी नहीं मिली है ना तो बदले ली है चुकाई। और जा कोलू में तुम को पेरो जम्मे उठाड़ो दी है तिराई। इधर अपने बाबुल को धैर्य बंधाकर जब ये रनबास में पहुंचे हैं और यहाँ पर इतना सुंदर इन लोगों ने नृत्य किया है कि पूरा रनबास योगियों पर मोहित हो गया। लेकिन योगी को भोजन करा के लेकर के आते हैं। माँ ने आज्ञा दे दी तो आज भिजमा कैसे उदल को लेकर के जाती है प्यारे भाई बहनों। आरे धीरे ये धीरे ये भिजमा बिटिया गई उदल को अटा चढ़ाई। और बैया गह की आज उदल की जन पलंगा पहलाओ बैठारी।
और धीरे धीरे पिझमा बोले परम सने ही पिया हमारी और बाजू बेंदुला का पे छोड़ो का पे छोड़ी धरी तलवारी कौन विपत्तिया तुम पे पड़ गई जुगिया हुई गए पिया हमारी और तब ही उदल बोलन लागे बिजमा साची दी है बताए और कहा गई उदल हम का जाने बिटिया साची दई बताए और हम है बालक बैरागिन के अपनों ले तराम को नाम आंखों में खून के कतरे लेकर के बेजमा बोली उदल तुम्हें अबे ये पता नहीं होगा ज्यादा बात जो छलकी करियो तो मारो भी कह दलिए रे करवा और तुम हो बालक दस राज के हो महुवे के राज तुम्हारे और तब ही उदल बोलन लागे पिझमा साची दियो बताए और का पहचाने रे उदल की गोरी धन दी जो हमें बताई बिजमा तब ही बोलन लागे सुनियो देश राज के लाल अब ही लड़का तोरे माहिल को ब्याह हो सिरी उसके मैं दो और हम उन्नीति सिरी उज पहुंची राजा रतन सिंह के द्वार और बन के बराती संग में आए लोहरे दे सराज के लाले और करन कले बाल लड़का आओ संग में आए पिया हमारे मैंने गुलचा मारो तोरे गालन पे घुस गई की लकंगन जो लड़ी गई थी मड़े से गई आखी में आंख समाए और तारिन मन में हमने कर लई ब्याही बनी उदय सिंह राय कई और न तो जन्म मेरे कुआरी जई एक दुल्हन बने लोहरवा भाई भक्तों बिजमा की बात सुनकर के उदल कहने लगे हैं बिजमा आखिरकार हम उदल हैं बिजमा कहने लगी फिर तुमने तो नाटक काय दिखाओ उदल कहने लगे बिजमा कोई ऐसा बेटा हो सकता है जिसके बाप का खून हो जाए और वो लड़का अपने पिता का बदला भी ना ले सके तो मैंने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सब शर्तें स्वीकार की हैं अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मुझे माढ़ो का किला जीतने का हाल बता दो उसके बाद हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और सुनो बिजमा भमरिया
नामा हम प्यारी डालेंगे पहले जम्मे कुकोलू में पेरे भमरिया भमरिया तब हम प्यारी डालेंगे पहले जम्बे को कोलू में पेरे भमरिया ध्यान रहे भाई बहनों, आज बिजमा उदल के प्यार में फंस करके किस तरह से माड़ों का हाल बताती है, तो आ जाइए भक्तों। आज बिझमा बोली तभी उदल से परमसन निकलकर सभी योगी डेरों में आते हैं, जहां से सब फौजों को लेकर के माड़ों के मैदान में पहुंच जाते हैं।
सबसे पहले ये महुवे वाले जवान बबरी वन को कटवाते हैं। जिस बबरी वन को रोकने के लिए जम्मे का लड़का सूरज आता है तो मौत के घाट उदल ने उतार दिया। भैया को युद्ध में मरता देख कर जम्मे के लड़का करिया के धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा और ये फौजें लेकर के युद्ध के मैदान में उतर आया और उदल के पिता दस राज वाले पश्चावत हाथी पर बैठ करके युद्ध के मैदान में आया और आवाज लगाने लगा। आरे किनकी मैया निना हरी जाए किनकी जमे कले जावारी और ये कोरन सूर वीर छत्री अवझले कला की तलवारी और खेतन के मैदान में करिया तई की आवाज लगाई ए छोटो का नहीं आदि बला वालो रड़ को धोसा दो बजाई प्यारे भाई बहनों आगे बढ़ कर के उदल करिया से बोला है और आज तीन के साथ पिता हमारे को धोखे में मारो ताको बदला लिए चुकाए करके समर पिता मर जाते छाती ने कना हो तो पशावत को करिया ने उदल लो बंधाई और उदल बंध गए रड़ खेतन में भैया सुनियो यार जी हमारे और घोड़ा लेगी नुनिया लहानी और देवे से कई सुनाई कई छोटो छैया उदल भैया आज खेतन में लवो बंधाई और जलिए चल दियो माती हमारी और उदल को लियो छुड़ाई और दिबला मैया आज डेरन से पहुंची खेतन केर मैदान और माथो पूछो पशावत को और जने ऐसी कही सुनाई और जाजी बेस है मरुओ वह तर ठाड़े दियो प्राण गमाई और बारे पे हमने तुम को पालो या वखोरन को दूध पिलाए और ये अपनी मालिक के बेटा जो बाद हमारो केरे मैदान कई और जाजी बेस है मर वो बेहतर ठाड़े दी जो प्राणी गमाए और दिबला पहचानी हाथी ने छोड़ो दस राज को लाल और हाथी बैठ गयो खेतन में करिया उतरी पर वो बहराई और देवे बोली तब आला से परमश ने ही लला हमारे और जू है हाथी तेरे दादा को जाते फांदा हो असवार और घोड़ा लेके करी आया वो अम्बा जोरी बजे तलवार
और बैड़ी मारे अज करिया की भारे महुए के सरदार। और तब ही उदल बोलन लागे दादा यकल गई अगोराए। और एक एक छतरी के बोहरा पे छे छे ज्वान महोवे कियारे। और जाजी बेस है मरवो बेहतर दादा सुन ले वर्ज हमारे। और तुम सब बैठो लखो तमाशो हम ही जाको दिए मराए। और उदल दद के अज घोड़ा पे और करिया से कही सुनाए। करिया की काटी दे सराज के लाल। और हंस के उदल बोलने लागे और याल हंसे कही सुनाई। और मेरी बरनी को नाई है नाए जब लेते शीश कटाई। और चल के शीश आज करिया को दादा खेत में ले कटवाई। और नंगन सिरो ही आला लेके तब उदल ने कही सुनाई। महुबे को के देव पठवाई। अरे गर्दन पकड़ के मंडली खड़ी और वकी धर से जलाई है उखाड़ी। फौजे भज गई पहुंची माड़ो केरे मैदान। करिया मार लयो पहली करिया मार लयो पहली पिजे भई माड़ो में करिया। ध्यान रहे भैया, करिया को मारने के बाद रुपनावारी को पलकी में शीश रखवाकर मंडलीक ने जवाब दिया कि करिया के शीश को ले जाकर महारानी महला को दिखाना है और बताना कि बनापुरों ने माड़ो में पहला संग्राम जीत लिया है। इधर शीश को लेकर के रुकना मोहवे के लिए चला है, लेकिन उधर माहेल का क्या हाल है। अरे माहेल पहुंच गए थे मोहवे में। और मलहना से कही सुनाई रास्ता आई कढ़े उड़ही के गढ़मान हो के पांच सरदार। और जितने गए हते महुबे सबके मूड हिलाए हैं गटबाई भज के एक ही बचन न पाओ। हो गई नाठी महोबे क्यारी खबरें पाई जब माढ़ो की मलहनारी छोड़ी दई ती दीदी कारी मुड़ी
बहना सुन ले यार जी हमारी अरे राजी पाट जो गाड़ी महुबे को हो अब है सिंगराय और रोटी डाली अगर तो चाहिए है तो कायम भैया बनो तुम्हारे अरे तलो रूप ना पलकी लेगी आई जो महुबे के रे मैदान और माहिल बोलती है मलहना से बहना सुन ले अर्जी हमार मालूम पड़ती है मोई जियरा में आई गई लहसी उदय सिंगराय बारह रानी पर माले की और फाटक पे रंग ढहरा लेकिन अरे जगत देखी जब माहिल नी उरही कुकुची गाय ते करवाए और लिली दावी है माहिल ने इत रुपना के सुना हवाले भक्तों इधर करिया के शीश को जब महारानी मल्हा ने देखा है तो खुश होकर के महारानी मल्हा रुपना को भोजन कराने लगी। दूसरे दिन प्रातः ही रुपना माड़ो के लिए प्रस्थान करता है। इधर अंतिम युद्ध के लिए माड़ो का सम्राट जम्बे युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। इधर महुवे के सभी जवान मैदान में उतर आते हैं। ये युद्ध बहुत ही विलक्षण हुआ है जयवीर भैया जी। एक लंग भोरी गाड़ी महुवे की एक लंग माड़ो गोरे सरदार और गोली चल रही है खेतल में छपका छपक बजत तलवार और चलत छिरोई माना साई चटकत चित्त सूर बन किया रे और अल्लाह तोबा करे मुसल्ला हिंदुन परो राम से काम और कोई कोई रोबत है लड़कन का कोई कोई पुरखन पूरे चिल्लाए कई और कोई कोई रोवे मृग ने निन को आ जाई गोनो लाए कराए और
होवे क्यारे और मल खे दजके आज घोड़ी पे उड़ल लगी ददक रह जाई और उदल बोले तब जंबे से दुश्मन देव जान से मारे और बबुल हमारे शोवत बांधे हम खेतन में लिए बंधाई और अंकले जंबे के जियरा पे छे छे जवान महोवे क्यारे और आल हमल के ढे वायू दल बड़ बड़ चोटे रहे चलाई और हल्ला बोलो चारों ओर से और जंबे को लोग छुबाई के और शीश काट के आज जंबे को और कोलू में दो फिराई और समर भूम के मैदानन में पाई विजय बना फर जाए के जवानों ने कोलू में पैर दिया और अपने बाप का बदला ले लिया है लेकिन इधर बजमा उदल से क्या बोली है बुरी तरह से रो रहे हैं लेकिन बिजमा उदल से बोली है पिया तुम न रोइए तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। आगे बिजमा क्या बोली है उदल से कि
कि बिझमा रोई कही कि नाही रोव सासु के जियाई बिझमा भेद बतायो और सभी अपनो कुटुंब मराओ अरे बेरी मा हम बन गई ना ही रोब सास के आगे बिजमा मलके से बोली है सुनो दादाजी दे दूसरा पी आज बिजमा ने ए दे दूसरा पी आज बिजमा ने बीच श्राप देने के बाद उधर से बिजमा बोली है पिया एक बात सुनो अरे बारे परशि रहो ब्रह्मचारी ए बारे परशि रहो ब्रह्मचारी करियो आखिरी सो से है अरुण भैया जी उदल बिजमा को गोद में लेकर के प्यार से बोले हैं गोरी प्राणनाथ
और ध्यान रखना भाई बहनों, जो आप लोग ये कैसेट सुन रहे हैं माँ काली कैसेट के माध्यम से, जो ये आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं माँ काली कैसेट बसरे हरे टाबा, जिसकी रिकॉर्डिंग करता है अरुण गुप्ता जी और हमारे साथ प्रसंगति कर रहे हैं सत्येंद्र भैया जी, ये ढोलक प्रसंगति कर रहे हैं धर्मेंद्र भैया जी, ये चिमटा प्रसंगति कर रहे हैं और घड़ा प्रसंगति कर रहे हैं जयवीर भैया जी, और कांसी बजा रहे हैं हमारे पिताजी, और मेरा नाम है और ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, आगे भी हमारी कैसेटें माँ काली कैसेट के माध्यम से ही आप सुनेंगे। इससे आगे की जो कैसेट आप लोगों के समक्ष आएगी वो लाखन का गौना, इसके बाद आप लोग लाखन का गौना सुनेंगे। भैया लेके बदलो या